इन चाइना रोज़ द फ्लावर्स आर, तो हमें देखना है कि चाइना रोज़ जो है उसके फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट है या उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशंस प्रेजेंट है इन ऑप्शंस के रिगार्डिंग। तो हम देखें कि इन ऑप्शंस में दिया क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगाइनस विथ डिस्ट्रेस एस्टिवेशन। तो हमें देखना है कि इसकी सिमेट्री क्या होगी, ओवरी की कंडीशन क्या होगी एंड एस्टिवेशन कैसा होगा। तो चाइना रोज़ में अगर हम देखें तो ये जो है ये मेम्बर है मालवेसी फैमिली का, और इसके अंदर जो सिमेट्री होती है वो होती है एक्टिनोमॉर्फिक टाइप। मीन्स अगर हम इसको किसी भी प्लेन से कट करें तो ये इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सेकंड जो थिंग है वो है ओवेरी की कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू ओवेरी की कंडीशन ये होता है हाइपोगाइनस, मीन्स ओवेरी जो है वो होगी सुपीरियर। एंड थर्ड चीज़ है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन जो है वो होता है सेपल्स एंड पेटल्स का अरेंजमेंट, जो इसमें होता है ट्विस्टेड टाइप। मीन्स सेपल्स एंड पेटल्स जो हैं वो ऑल्टरनेटली अरेंज होंगे, इसे हम कहते हैं ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि इसमें तीनों ऑप्शंस प्रेजेंट हैं।